हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बंगाल शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? अवनी नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। अवनी बाबू के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस थे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। हल्द्वानी की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? कृष्णराज नृत्य, महाकाली, सरस्वती, दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो हल्द्वानी की मधुरता का स्मारक का जो चित्र है दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन हमारा फोर सही हो जाएगा। डीपी राय चौधरी, इसका फुल फॉर्म है देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी हैं चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार, इतिहासकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी एन टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, हालदार, नंदलाल बोस। तो मास्टर मोशाय के नाम से नंदलाल बोस को जाना जाता था। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल। अवनी बाबू ने जो स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम था बंगाली स्कूल। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अवनी नाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है भारत माता, शाहजहां की मृत्यु, सांध्यदीप, शुक्लाभिसारे। तो पूर्णतः भारतीय शैली में बना जो चित्र है अवनी नाथ का वो है शुक्लाभिसारे। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? 100, 400, 200, 1000। तो अवनींद्र टैगोर ने कुल लगभग 400 चित्र बनाए थे। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर सुरक्षित है? आर्चर कलावीथ का अहमदाबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, कोलकाता संग्रहालय। तो ये श्रम की विजय जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता कहे जाते हैं ईवी हेवेल, ए एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो ए एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, हालदार। तो संथाल स्त्रियों को नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बंगाल शैली के कलाकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? टेम्परा, पेस्टल, वाश, तैल। तो बंगाल शैली के कलाकारों ने वाश तकनीक का प्रयोग किया था। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? मुंबई, जयपुर, इंदौर, पुणे। तो देवला लीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, मंजीत बाबा। तो भैंसों के कलाकार के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो परमानंद चोयल। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरा साको में कब हुई? 1907, 1915, 1920, 1917। तो विचित्रा क्लब की स्थापना जोड़ा सकों में 1915 में हुआ था।
निम्न में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य था, मतलब निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था। डीपी राय चौधरी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। जापानी वास चित्रों से प्रभावित कलाकार है V.S. गायतोंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी। तो जापानी वास चित्रों से जो प्रभावित थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राजस्थानी परिवार, संथाल परिवार, न्यूड, पहाड़ी परिवार। राम किंकर बैज एक मूर्तिकार हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है संथाल परिवार, संथाल फैमिली। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादी, घनवादी, रंगवादी, आकारवादी। इनकी जो कला है वो रंगवादी है। ये हेनरी मातिस से प्रभावित थे। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगी, ईश्वर ईश्वरी प्रसाद, मुकुल डे। तो इनमें से डीपी राय चौधरी जो है वो मूर्तिकार है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में इसी तरह से देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म दे देता है A.N. टैगोर, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर दिया है। और यहाँ पे G.N. टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र कुमार। तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लें। तो भारत माता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। छितिंद्रनाथ मजुमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास चित्रकला, टेम्परा। तो ये वास चित्रकला से जुड़े हैं। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 ईस्वी के प्रथम प्राचार्य थे कौन? जॉन लॉकवुड किपलिंग, समरेंद्र नाथ गुप्त, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के जो प्रथम प्राचार्य थे वो जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? के जी सुब्रमण्यम, जैनुअल आबेदीन, सोमनाथ होर, चित्त प्रसाद। तो जख्म काफी फेमस चित्र है तो ये सोमनाथ होर का है। ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बंगाल शैली के जनक कौन है? बंगाल शैली के जनक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, G.N. टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो बंगाल शैली के जो जनक है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, शांति निकेतन। वास पेंटिंग का आरंभ जो हुआ था वो कलकत्ता स्कूल से हुआ था। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेष कारण जानी जाती है। कौन सी विशेषता के कारण जानी जाती है? ऑयल तकनीक, म्यूरल तकनीक, वास तकनीक, मिनिएचर तकनीक। तो बंगाल शैली जो है वास तकनीक के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बिहार स्कूल, कोलकाता स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल। भारतीय कला में पुनरुत्थान जो आरंभ हुआ था वो बंगाल स्कूल से। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, नंदलाल बोस। बंगाल युग के जो प्रवर्तक थे वो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा।
बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार थे यामिनी राय, ए एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, ए एन एस बेंद्रे। तो यहाँ पे बंगाल शैली के जो शीर्षस्थ कलाकार थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो आरंभ होता है वो बंगाल स्कूल से। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली, बंगाल शैली, यूरोपियन शैली, कंपनी शैली। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय है वो बंगाल शैली को जाता है। तो ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? हल्दार, ए एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, जी एन टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो औरंगजेब का बुढ़ापा जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का फेमस चित्र है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? टेम्परा, वास, ग्वास, तैल रंग। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र जो है वो वास तकनीक में बनाए। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे राजा रविवर्मा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी, अलागरी नायडू, थियोडोर जेंसन। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? सुखबीर सिंह सिंघल, एस जी श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्या, हरिहर लाल मेड़। तो इनमें से वास शैली से जो संबंधित नहीं है एस जी श्रीखंडे। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ पे? बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, राज पुस्तकालय रामपुर में, बौद्ध संग्रहालय में। काफी इंपॉर्टेंट चित्र है और ये राज पुस्तकालय रामपुर में। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार, ए एन टैगोर, नंदलाल बोस। वास चित्रण पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? लखनऊ आर्ट स्कूल, जयपुर आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, कलकत्ता आर्ट स्कूल। तो ये मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में, दिल्ली में, जोरासाको में, मुंबई में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में कोलकाता के जोरासाको में हुआ था। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? ए एन टैगोर, जी एन टैगोर, आर एन टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत माता पेंटिंग जो बनाए थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर। ऑप्शन क सही हो जाएगा। ट्रम्प ऑफ लेबर, लेबर एट वर्क नामक मूर्ति के निर्माता हैं नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। ट्रम्प ऑफ लेबर, लेबर एट वर्क काफी फेमस मूर्ति और ये देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? धनराज भगत, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्त। शहीद स्मृति जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया, काफी फेमस मूर्ति है ये। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशता क्या होते हैं? पशु, पुरुष, महिला, पर्यावरण। तो देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के साथ चित्रकार भी थे, तो उन्होंने जो चित्र बनाया है वो महिला से ज़्यादा संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, हालदार, नंदलाल बोस। तो भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है वो नंदलाल बोस ने सज्जित किया है। तो ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। नंदलाल बोस के गुरु थे यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस के जो गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा।
हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, हल्दार। हरिपुरा का कांग्रेस पोस्टर जो है वो नंदलाल बोस ने बनाया था। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। तो हरिपुरा पैनल का जो विषय वस्तु था भारतीय ग्रामीण जीवन। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? छितिननाथ मजुमदार, नंदलाल बोस, जामिनी राय, अमृता शेरगिल। नव बंगाल शैली जो है वो नंदलाल बोस की देन है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना, शांति निकेतन, कलकत्ता, मुंगेर। नंदलाल बोस का जन्म जो हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। ऑप्शन हमारा ये फोर्थ सही हो जाएगा। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? राम किंकर बैल, नंदलाल बोस, ए एन टैगोर, शैलेन नाडे। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो नंदलाल बोस की है। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने बंगाल शैली से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। ये बंगाल शैली से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं KVS NVS DSSSB से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो विजुअल आर्ट से संबंधित आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।